यहाँ पर अंदर दिव्य दरबार लगेगा, बाबा का सत्संग होगा, यहाँ पे प्रवचन होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी आएंगे और यहाँ पर बाबा बागेश्वर का जो लोगों को इंतज़ार रहता है वो भी अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मुंबई के हम लाल बाग राजा की सिर्फ बात करते हैं, सोचते हैं कि लाल बाग के हम कैसे दर्शन करें, मुंबई के कैसे लाल बाग राजा के दर्शन होंगे, तो वो यही है कि आपको यहाँ पर ये लाल बाग के राजा के दर्शन ज़रूर हो सकेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मुंबई से ये लाल बाग राजा की मूर्ति चली थी और अब दिल्ली में पहुँच चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम हैं। अगर आप आते हैं तो आपको ठीक सामने ये जो देख रहे हैं निरंकारी ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं निरंकारी समागम, यहाँ पर होता था, ठीक उसी जगह पर इस बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने वाला है। आपने मुंबई के लाल बाग राजा का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि मुंबई के लाल बाग राजा दिल्ली में आ जाएं तो जी हाँ, इस बार मुंबई के लाल बाग राजा जो हैं आपको दिल्ली में भी दिखेंगे और दिल्ली में इस बार संत निरंकारी जो ब्राड़ी का ग्राउंड है उस ग्राउंड में यहाँ पर आपको लाल बाग राजा के दर्शन होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात एक और है, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन भी होंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये कितना भव्य दिव्य पंडाल सज रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा बागेश्वर हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 9 तारीख को जो उनका सबसे बड़ा एक दिव्य दरबार लगता है, जिसकी हमेशा से लोगों को इंतज़ार रहता है कि दिव्य दरबार लगेगा और हम लोग उसमें अपनी अर्जी लगाएंगे, तो आपको कहीं जाने की, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से दिल्ली में पहले शास्त्री पार्क में आए थे बागेश्वर बाबा और इस बार ये जो आपको धूम दिखेगी, जो उत्सव दिखेगा, वो साथ साथ आपको यहाँ पर गणेश उत्सव भी देखने को मिलेगा, बाबा बागेश्वर के भी दर्शन होंगे, यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी भी यहाँ पर आएंगे और जो दिव्य दरबार की बात है वो 9 तारीख को लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य पंडाल सज चुका है, सज रहा है, तैयारियाँ हैं, 7 तारीख से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे लगातार तैयारियाँ हो रही हैं और आपको ये भव्य पंडाल जो आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर की तरफ आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेले भी दिखेगा, यहाँ पर अंदर दिव्य दरबार लगेगा, बाबा का सत्संग होगा, यहाँ पे प्रवचन होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी आएंगे और यहाँ पर बाबा बागेश्वर का जो लोगों को इंतज़ार रहता है वो भी अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मुंबई के हम लाल बाग राजा की सिर्फ बात करते हैं, सोचते हैं कि लाल बाग के हम कैसे दर्शन करें, मुंबई के कैसे लाल बाग राजा के दर्शन होंगे, तो वो यही है कि आपको यहाँ पर ये लाल बाग के राजा के दर्शन ज़रूर हो सकेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मुंबई से ये लाल बाग राजा की मूर्ति चली थी और अब दिल्ली में पहुँच चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम हैं। अगर आप आते हैं तो आपको ठीक सामने ये जो देख रहे हैं निरंकारी ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं निरंकारी समागम, यहाँ पर होता था, ठीक उसी जगह पर इस बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने वाला है। बाबा बागेश्वर का ये दिव्य दरबार सज रहा है और यहाँ पर 7 से 12 तारीख तक जो बाबा आप लोगों को, भक्तों को दर्शन देने वाले हैं, वो आपको इस भक्ति में जो एक आनंद आता है वो आपको यहाँ पर आएगा। और आप देखिए कि ये कितना भव्य पंडाल है, क्योंकि पिछली बार जब शास्त्री पार्क में बाबा का दरबार हुआ था, लगा था, तो बहुत छोटा पड़ गया था वो दरबार, क्योंकि भक्त इतने आए थे कि कोई हज़ारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के भक्त आते हैं। और ये आपको यहाँ पर देखिए, अभी फ़िलहाल मूर्ति को ढका हुआ है, क्योंकि 7 तारीख को जब पूरे विधि विधान के साथ इस मूर्ति को खोला जाएगा, यहाँ पर दर्शन किए जाएंगे, मंत्रों उच्चारण के साथ इस मूर्ति को आप देख सकते हैं और मंत्रों के जाप के साथ जब आप इस मूर्ति को देखेंगे तो एक अलग ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये दिव्य दरबार की तैयारियाँ चल रही हैं, ये दिव्य दरबार यहाँ लगा हुआ है, लाल बाग राजा ट्रस्ट की तरफ से ये भव्य पंडाल।
आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपने पंडाल तो देख लिया है, पंडाल के बाहर का भी दृश्य देख लीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से मेले का भी आयोजन किया गया है, और यहाँ पर आपको जो फैमिली के साथ आते हैं तो आपको बच्चों को यहाँ पर घुमाने का भी एक अवसर मिलेगा। 3 बजे से यहाँ पर बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार जो लगता है, जो उनकी कथा होती है हनुमत कथा, वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर झूले झूलने का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर शाम के टाइम आप जब दिव्य दरबार कथा उनके प्रवचन बाबा जब करते हैं, तो उसके बाद जब यहाँ से आप निकलते हैं तो आप यहाँ पर अपना बच्चों के साथ मनोरंजन भी कर सकते हैं। इस बार ये कुछ अलग टाइप से दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में आपको कई बार देखने को मिले होंगे, लेकिन इस बार जो लाल बाग राजा ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, तो झूला झूलने का बच्चे आनंद ले सकते हैं। दूसरा, मुंबई में जो आप लाल बाग राजा की बात करते हो, वो लाल बाग राजा आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा खास पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर हनुमत कथा और श्री राम कथा सुनने को मिलेंगी। श्री राम कथा जो है वो अनिरुद्धाचार्य जी करेंगे, और हनुमत कथा जो है श्री बागेश्वर बाबा यहाँ पर करेंगे। और एक जो उनकी सबसे खास चीज़ रहती है, दिव्य दरबार जो लगता है एक दिन का, वो 9 तारीख को यहाँ पर लगेगा। आप यहाँ पर 9 तारीख को जो भी आपकी अर्जी है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। वो आप यहाँ पर जैसे पहले आ सकते हैं जल्दी, और आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम हैं। यहाँ पर लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह चुका है। कल का ही दिन बीच में है, बाकी परसों से ये कथा का आनंद आप ले सकते हैं, दर्शनों का आप आनंद ले सकते हैं। बाकी और जो भी डिटेल होगी हम आपको बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियो शेयर कर सकें। चलिए अब हम आपको एक रूट मैप समझा देते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के अगर आपने दर्शन करने हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पर आना होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गेट है, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ VIP एंट्री होगी। इससे आगे एक कट है, यूटर्न है, वहाँ से आपको घूमकर आना पड़ेगा। आगे वाले कट से ये जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, उससे आपको राइट लेकर एक रास्ता जा रहा है, वहाँ से आपको अंदर एंट्री होगी। ये किंग्सवे कैंप वाला रोड है। जब आप कैंप की तरफ से यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ यही कहना है कि हमें निरंकारी ग्राउंड जाना है जहाँ समागम होता है। वहीं पर ये दिव्य दरबार सजा हुआ है, वहीं पे ये दिव्य दरबार लगेगा। और आपको एक रूट मैप ये दिखाते हैं, ये रूट मैप है जो आप फ्लाईओवर ये देख रहे हैं, फ्लाईओवर के बसें आ रही हैं। ये कश्मीरी गेट से आपको ये रूट आ रहा है, कश्मीरी गेट से। लेकिन जो लोग यमुना पार की तरफ से आएंगे, भजनपुरा, यमुना बिहार, खजूरी से आएंगे, तो वो इस फ्लाईओवर का ऊपर से इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर से इस्तेमाल करेंगे तो आप मधुबन चौक की तरफ निकल जाएंगे। आपको नीचे से आना है। जब आप नीचे से आएंगे तो आपको यहीं पर एक बस स्टैंड दिखेगा, बस स्टैंड पर आपको वहाँ पर उतरना होगा, और आपको कुछ मीटर की दूरी पर 1000 या 2000 मीटर आपको चलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये दिव्य दरबार मिलेगा, गेट की एंट्री आपको यहाँ से होगी। आप देखिए, ये ठीक सामने निरंकारी सरोवर यहाँ पर है। इसके बिल्कुल ठीक सामने आपको यहाँ पर दिखेंगे बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। तो आपको कहीं ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी रूट को समझने में। ये बहुत सिंपल रूट है, फ्लाईओवर का। कश्मीरी गेट से जो आ रहे हैं, खजूरी से आ रहे हैं, फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं करना।